तो गाइस अगर आप लोग क्रेडिट प्लस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, अगर आप एक सैलराइड पर्सन हैं तो आप लोग को मिलेंगे यहाँ पर 10,000 से 35,000 रुपए तक का राशि आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो अगर आप लोग एक सैलराइड पर्सन हैं और आप सबके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और सैलरी स्लिप है तो आप लोग इस एप्लीकेशन से 35,000 रुपए तक का लोन जो है वो ले सकते हैं। बट इसके अंदर कैसे आप लोग को लोन के लिए अप्लाई करना है कंप्लीट जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, प्रोसेसिंग चार्ज कितना लगाए जाएंगे, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में है। तो अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं क्रेडिट प्लस एप्लीकेशन से तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोग आएंगे प्ले स्टोर पर, आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर लेना है क्रेडिट प्लस लिख करके। आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे तो इस एप्लीकेशन का जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। हमारा यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद गाइस आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएंगे। तो यहाँ पे गाइस आप सबको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे। तो अब गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आप लोग को अपना आधार का डिटेल्स यहाँ पर डालने हैं। तो सबसे पहले आप लोग को अपना आधार नंबर जो है यहाँ फिल करना है, ठीक है। इन तीनों बॉक्स में चार चार नंबर जो होता है वो यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। आधार नंबर को यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। तो मैं डाल दिया हूँ, कंटिन्यू वाले पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन है जिसको अलाउ करना होगा। उसके बाद आप सबके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा गाइज वो नंबर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी नंबर को एक बार और आप लोगों को यहाँ पर डालना है कन्फर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और कंटिन्यू वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर डाल दिए हैं, कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंटर पासकोड है, एक पासकोड को यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। तो हम 4 डिजिट कोई भी एक पासकोड यहाँ पर सेट करेंगे, अपने हिसाब से आप लोग अपना पासकोड को यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से पेजे आएंगे। तो अब गाइस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर मिलता है लोन का फीचर्स। उसके बाद यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेफर अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और क्रेडिट स्कोर आप सबको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो आप लोग अगर लोन को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर लोन का ऑप्शन मिलेगा, इंस्टेंट अप्रूवल इन जस्ट फ्यू क्लिक में है, ठीक है। डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे गाइस आप लोग को ओके वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि योर क्रेडिट स्कोर जो है यहाँ पर 800 के करीब में होना चाहिए, तो आप लोग को यहाँ पर लोन जो है वो इंस्टेंट यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन है, इस वाले पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा कि कौन कौन से डिटेल्स लगेंगे और कैसे स्टेप को आप लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। पहला स्टेप में यहाँ पर वर्क का ईमेल आईडी या फिर सैलरी स्लिप वगैरह यहाँ पर दोनों में से किसी एक को आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा स्टेप में आप लोग चाहे तो यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग से वेरीफाई करा सकते हैं सैलरी अकाउंट को, या फिर आप लोग स्टेटमेंट दे करके 90 दिनों का, ठीक है, चेक करेंगे कि आप सबका सैलरी इस बैंक अकाउंट में आता है या नहीं। फिर आप लोग को लगेगा यहाँ पर पैन कार्ड, और उसके बाद यहाँ पे करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस में आप लोग अपना आधार वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप लोग को चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लोन को लेना चाहेंगे तो कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे गाइस तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को कुछ डिटेल्स डालना होगा, जैसे कि सबसे पहले मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा अगर आप सब शादीशुदा हैं तो मैरिड करेंगे, अगर सिंगल है तो सिंगल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आप लोग से पूछा जाएगा कि आपके घर में आपके साथ कितने लोग रहते हैं, उसका संख्या यहाँ पे आप लोग जो है देंगे। अगर एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, और तीन से अधिक है तो आप लोग इस वाले पे टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोग से पूछा जाएगा कि आप कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इस वाले में क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से यहाँ पर जो है आप लोगों को चयन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग से पूछा जाएगा अगर आपसे नीचे कोई है तो आप लोग यहाँ पर जो है वो दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप खाली समय में क्या करते हैं, यहाँ पर डालिए, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लोग खाली समय में जो भी काम करते हैं वो यहाँ पे आप लोगों को डालने हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे अब आप लोग को कंपनी का डिटेल्स यहाँ पर डालने हैं, ठीक है। तो कंपनी टाइप आप लोग यहां पर सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर तीन ऑप्शंस मिलेंगे, LLP, ठीक है, और उसके बाद यहां पे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड है। आप लोग किस तरीके के कंपनी में यहां पर काम कर, प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है, ठीक है, अपने हिसाब से यहां पर चयन कर लेंगे। कंपनी का नाम आप लोग यहाँ पर डाल देंगे, कंपनी का एड्रेस आप लोग को यहाँ डालने हैं, ठीक है, और कंपनी का फ़ोन नंबर आप लोग यहाँ पर डालेंगे और सबमिट वाले पर आप लोग जो है क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे गाइस आप लोग को अपना कंपनी का नेम यहाँ डालेंगे, एड्रेस यहाँ डालेंगे, फोन नंबर उसका यहाँ डालेंगे, ठीक है। कंपनी का वेबसाइट है तो यहाँ पर डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन से इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सबका मंथली सैलरी डालना है कि आप लोग एक महीना में कितना कमाते हैं, वो सैलरी आप लोग यहाँ पर डालेंगे। तो आप लोग का जो भी सैलरी है वो आप लोग यहाँ पर अपना डालेंगे, ठीक है। उसके बाद सैलरी डे, किस डेट को आपको सैलरी मिलता है वो डेट आप लोग यहाँ पर डालेंगे। जिस डेट को आप लोग को सैलरी मिलता है वो सिर्फ डेट को यहाँ पर डालना है, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले पे आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे। गाइस हम यहाँ पे सैलरी पर्सन जो है नहीं है, तो हमारे पास कंपनी का कोई भी सही जो है प्रूफ हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ से आगे का स्टेप हम जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग एक सैलराइड पर्सन है और आप सबके पास कंपनी का प्रूफ है तो आप लोग यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे गाइस आप लोग अपना कंपनी का डिटेल्स डालेंगे तो जो भी लोन ऑफर होगा वो आप सबके स्क्रीन पर आएगा। तो उसके बाद आप लोग अपना अमाउंट को चूज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद लोन टेन्योर को आप लोग ध्यान से जो है यहाँ पर देख लेंगे कि कितने समय के लिए लोन मिल रहा है और क्या प्रोसेसिंग चार्ज यहाँ पर लगाए गए हैं और कितना इंटरेस्ट देना होगा, कितना आप सबके बैंक अकाउंट में आएंगे आप लोग एक बार पहले यहाँ पर देख लेंगे। अगर लोन लेकर के चुकाने में सक्षम होंगे तभी आगे का स्टेप जो है आप लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे अप्रूवल नहीं हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे जो है सैलरीड पर्सन नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर अगर आगे का स्टेप कंप्लीट करते हैं तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे, अगर आप लोग को लगेगा कि लोन लेकर चुकाने में हम सक्षम है तभी आप लोग अपना सारा डिटेल्स यहां पर सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से यहां पे अगर आप लोग एक सैलराइड पर्सन है तो क्रेडिट प्लस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन जो है वो ले सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मान लीजिएगा जी अगर आप लोग सैलरीड पर्सन नहीं है, आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है या अदर कोई भी काम वगैरह करते हैं और आप लोगों को भी लोन की नीड पड़ गया है, तो वैसे भी एप्लीकेशन है जहाँ से मैं खुद लिया हूँ बिना कोई इनकम प्रूफ के, बिना कोई सैलरी स्लिप के। अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो डिस्प्ले पे अभी आप लोग को 3 वीडियो शो हो रहा होगा जहाँ से मैं खुद लोन लिया हूँ। अगर आप लोग के पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप लोग इन तीनों एप्लीकेशन से ट्राई करेंगे, इंस्टेंट आप सबके बैंक अकाउंट में पैसा को जमा कर दिया जाएगा, जो कि 10 लाख रुपए तक के भी लोन की जरूरत है तो आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना है।